नए साल के आने में अब बस 2 दिन रह गए हैं। लोग जहां इसकी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास उपाध्याय ने इस साल असहायों के साथ मनाए जाने की बात कही और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। देखिए, कांग्रेस की परंपरा है, नया साल भी है, और जिस प्रकार से जो कांग्रेस की विचारधारा है, आम लोगों के बीच में जाकर, उन लोगों के बीच में जाकर लोग जो असहाय हैं, जो नए साल को नहीं मना पा रहे हैं या उसकी खुशियां को नहीं बांट पा रहे हैं, उनके बीच में जाकर त्यौहार को मनाने का हम लोग काम करने वाले हैं और अवेयरनेस भी इस चीज़ की फैलाने वाले हैं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च मत करें। आज आर्थिक स्थिति लोगों की, GST नोटबंदी के बाद में आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं लोगों के जोर पड़ा है, इसका भी संदेश लोगों के बीच में देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से पिछले साल जो अच्छी चीज़ें हुई या जो घटनाएं हुई, वो दोबारा मत हो, भगवान के मंदिर जाकर प्रार्थना अर्चना भी हम लोग करेंगे कि ये आने वाला साल इस प्रदेश के लिए और देश के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए शुभ रहे, और बीता साल जो साल जाएगा, उस साल पर भी जो गलतियाँ हमारे से हुई है या जो नुकसान हुआ है, उसकी हानि अगर हो, पूर्ति अगर उसी कर सकते हैं तो उसको भी करें, और जो गलती हुई है वो कभी दोहराई मत जाए, इसकी भी कामना हम लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 9 वर्ष उनके लिए मंगलमय हो और इस 9 वर्ष में उनके परिवार में खुशहाली आए, उनके घर के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। क्लिपर 28 के लिए कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ अमित शर्मा, रायपुर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लिपर 28 डिजिटल मीडिया।